इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में गुरुवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत बहुप्रतीक्षित पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का आधिकारिक विमोचन किया गया। इस शोध पुस्तक के लेखक संजीव कुमार हैं, जो भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक कालों में से एक गुप्त साम्राज्य की हमारी समझ को बदलने का वादा करते हैं। यह अद्वितीय पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों और विद्वानों से व्यापक सराहना प्राप्त कर चुके हैं। पुस्तक गहन शोध पद्धति और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर गुप्त साम्राज्य चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के बारे में अब तक अनदेखे पहलुओं को उजागर करती है। इस किताब के जरिए कुमार हमारे इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं और भारत के समृद्ध अतीत की कहानी को नए तरीके से पेश करते हैं। IGNCA में आयोजित इस विमोचन कार्यक्रम में विद्वानों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक प्रेमियों का एक प्रतिष्ठित समूह उपस्थित रहा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में गुप्त साम्राज्य के दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी भी शामिल रही, जिसने उस काल के गौरवशाली अतीत के साथ एक सचिव संबंध स्थापित किया। मैं केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, 3rd मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 वॉर में। हम भारत में स्कूल गए हैं, उसके बाद में हम US में मूव हो गए और US में मूव होकर जब हम गए उधर कॉलेज वगैरह करा, हमें फिर बाहर जाकर मालूम चला कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हम इतना ब्यूटीफुल आर्ट था। स्टडिंग इन इंडिया हमको ये मालूम ही नहीं था कि हमारा हिंदू डायनेस्टी कि इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, ब्यूटीफुल आर्ट है। हमको तो सिर्फ ग्रीक, रोमन, मुगल्स वगैरह के बारे में सिखाया गया था। दो वंस आई गॉट एक्सपोज टू दैट, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इट एंड इट टुक 40 ईयर्स फॉर मी टू स्टडी दिस एंड फाइंड आउट कि भाई ये तो गुप्ता डायनेस्टी वॉज प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल आर्ट। तो माई इंटरेस्ट इन दिस पहले आर्ट के लाइन पे स्टार्ट हुआ, उसका स्टडी एंड रिसर्च कि भाई ये हिस्ट्री में कॉइन में क्या लिखा है, मुकुट में क्या मीनिंग है, ये टाइगर को किल कर रहे हैं तो क्या मीनिंग है, ये सब बाद में सोचा। मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट वाज बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड द ब्यूटी। तो हमारे इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सपोज दिस टू आवर चिल्ड्रन इन इंडिया सो वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड कि हमारी आर History is so rich and so beautiful, but हम exposure नहीं देते। सर, आपने गुप्ता पीरियड ही क्यों चुना, क्योंकि उससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था और भी सारे सिविलाइजेशन रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी भी रही है और उसमें अलग अलग तरीके से। Strictly because गुप्ता पीरियड जो था which started about 319 AD, that was the first time prior to गुप्ता से पहले कुषाण डायनेस्टी थी। तो क्या हुआ कि when this was the first dynasty which was a truly Hindu dynasty and it is not कि मैं religion के पीछे भाग रहा था। They और the Samudragupta ने क्या अलबात प्रशस्ति में लिखा है कि I am starting putting more emphasis on the Vedic scriptures, the जो Vedic scriptures है उनका उस पर ये long forgotten Vedic scriptures, मतलब for a long time these things were forgotten, मैं उसको अब now I'm giving more importance to it। तो उसमें उसका meaning ये है कि during the time of Samudragupta and Chandragupta the whole Hindu iconography, उसको शिल्प शास्त्र कहते हैं, उसका वो finalize हुआ कि जी देवी जो लक्ष्मी है उसके हाथ में क्या होगा, लोटस फ्लावर, व्हाट विल शी बी सीटेड ऑन अ लोटस फ्लावर, आई मीन हाउ शुड शिवा बी शोन, शुड ही बी शोन विद अ त्रिशूल इन हिज हैंड और यू नो समथिंग एल्स। ये सब फाइनली 3rd, 4th, 5th सेंचुरीज में हुआ एंड दिस वाज द टाइम ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब मेरे को इंटरेस्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ आर्ट से एंड देन मैं एक्सीडेंटली हिस्टोरियन बन गया। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।